नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है उस दर्द के बारे में जो कभी कभी आपके पेड़ यानी कि नाभि के नीचे होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कुछ दवाइयां ले लेते हैं। बता दें, यही समस्या आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। पिछले दिनों हमारे पास कई किसान भाइयों ने फोन किया, कई दर्शकों ने पेट के निचले हिस्से में दर्द और भारीपन रहने की बात भी कही, तो कुछ ने हर्निया की समस्या के बारे में जानना चाहा। बता दें कि हर्निया एक दुखदायी पीड़ा है। ये क्यों होता है, क्या महिलाओं में भी हर्निया की समस्या हो सकती है, और यदि हो सकती है तो इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, और इस कष्टकारी पीड़ा से हम बचें तो कैसे बचें, आज के इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों से इन्हीं सब बातों पर आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा विषय है, लापरवाही से गंभीर हो सकता है हर्निया का मर्ज, बचाव और उपचार। यदि आपको भी नाभि के स्थान पर असहनीय दर्द उठता है और आप पेट में भारीपन महसूस करते हैं, चलने खड़े होने पर भी दर्द रहता है, और इस कार्यक्रम के दौरान इसके बारे में पूछना चाहते हैं, इसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें फोन कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगना है, तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, पद्मश्री और जाने माने सर्जन डॉक्टर प्रदीप चौबे। आप एशिया पैसिफिक हर्निया सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और आपसे हम समझेंगे कि हर्निया होने की संभावना किसे ज्यादा होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अभिनव कुमार। आप भी देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स दिल्ली में सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो जाहिर है हमारे साथ स्टूडियो में देश के जाने माने दो सर्जन मौजूद हैं जिनसे आप अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। और इस बातचीत की हम शुरुआत करें, उससे पहले आइए देखते हैं हर्निया से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। हर्निया नामक बीमारी प्राचीन रोगों में से एक है। हालांकि यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि आपके पेट की दीवार की निर्बलता है, एक कमजोरी है, एक ऐसी भयंकर पीड़ा है जिसे जानते हुए भी लोग अनजान हैं। हर्निया का अर्थ होता है आंतों का उतरना। आम तौर पर पेट की दीवार के कैविटी से जब आंते बाहर निकलने लगती है, तब हर्निया का दर्द उठने लगता है। यह बहुत ही पीड़ादायी स्थिति होती है, क्योंकि एक बार आंतों के उतर जाने के बाद जब तक इसे वापस ठीक नहीं किया जाता, तब तक असहनीय दर्द लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि हर्निया के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों में सूजन और दर्द की शिकायत हो सकती है, जो खड़े होने, मांसपेशियों में खिंचाव होने या कुछ भारी सामान उठाने से अक्सर आंते अपनी जगह से हिलकर खाली स्थानों पर चली जाती है, जिसके कारण भी हर्निया की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हर्निया में पेड़ों या नाभि के नीचे बहुत तेज दर्द होता है। महिलाओं में हर्निया की समस्या आम तौर पर प्रसव के बाद उत्पन्न होती है, जिसके कारण महिला लंबे समय तक खड़ी या बैठ नहीं सकती। यदि कोई शिशु अधिक जोर से खांसता या छींकता है, तो दबाव के कारण उसकी नाभि बाहर की तरफ निकल सकती है और वो भी हर्निया का शिकार हो सकता है। हर्निया के कई प्रकार होते हैं और यह किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े। 10 साल से कम उम्र के बच्चे या 40 साल की उम्र के बाद गलत खान पान और रहन सहन के कारण कमजोर हो जाती है, जिससे अवांछित भार आंतों पर पड़ने लगता है और आंत उतरने की बीमारी हो जाती है। पुरानी खांसी, कब्ज, पेशाब में रुकावट, गर्भावस्था, मांसपेशियों की कमजोरी या विकार आदि से हर्निया हो सकता है। इसी तरह मोटापा भी एक कारण है। मोटापे से शरीर में अधिक स्थान रिक्त रहता है,
जिससे आते अपने स्थान से आसानी से खिसक जाती है और हर्निया को जन्म दे सकती है। हर्निया होने के बावजूद ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास महज इसलिए नहीं जाते कि उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गौरतलब है कि हर्निया का एकमात्र इलाज ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कम दर्द होता है, चीरा भी छोटा लगता है और रिकवरी भी तेजी से होती है। इसलिए बीमारी चाहे कोई भी क्यों न हो, सचेत रहिए, जागरूक रहिए। गौरतलब है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बीमार बना सकती है, इसलिए लापरवाही नहीं, जागरूक बनिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो एक बेहतरीन रिपोर्ट देखने के साथ ही आपने सुने दर्द रहित जीवन जीने की फरियाद। बहरहाल हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं और इस बीच कार्यक्रम के दौरान आप हमें फोन कर सकते हैं और बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो बातचीत की शुरुआत डॉक्टर चौबे में सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी और आपसे भी हम समझना चाहेंगे हर्निया के बारे में, क्या है ये बीमारी और क्या खास कारण इसके हो सकते हैं। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं, हर्निया एक जो हमारे पेट के अंदर जो इंटेस्टाइंस होती हैं या दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, जब वो पेट की वॉल के बाहर आने लगते हैं और स्किन के नीचे आ जाते हैं तो वो सिचुएशन हर्निया कहती है, जिसको हम कहते हैं कि जो ऑर्गन पेट के अंदर होना चाहिए वो मसल मांसपेशियों को उसके थ्रू उसके टियर होने से और वो होके फिर स्किन में आ जाती है। सो उसका प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है और इस तरह से एक स्वेलिंग जो हमको बड़ी कॉमन तरीके से दिखाई देती है, उस स्वेलिंग को देख के हम समझ सकते हैं कि इस पेशेंट को हर्निया हो गया है। बिल्कुल। तो कई बार चोट लगने से भी शरीर में सूजन आ सकती है, लेकिन ये जो सूजन है वो हर्निया की निशानी है, ये कैसे समझे डॉक्टर अभिनव? खास तौर पर और भी क्या कोई और लक्षण भी इसके साथ होते हैं जैसे कि पहचान हो सकती है इस बीमारी की? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि सबसे पहले कि शुरुआत में इसको हम जाने कैसे कि हर्निया मुझे है। इसके लिए सबसे चीज होती है कि बहुत सारे लोगों को, मरीजों में देखा गया है कि जो नाभि के नीचे जो पेरू का हिस्सा जो बोलते हैं, वहां पे आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा, कोई पेन सी महसूस होगी और जैसे जैसे ये समस्या के दौरान बढ़ती है, समय बढ़ती है, तो आपको एक सूजन सा महसूस होगा वहाँ पे कि एक उभरन सी हो रही है। जैसे जैसे देखेंगे कि दिन का समय बढ़ता है तो सूजन बढ़ी हुई है, लेकिन अब जब आराम करते हैं, नींद करते हैं, तो देखेंगे कि वो सूजन वो घट जाता है, साइज में घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो विद द टाइम जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अगर आप इसको अगर नहीं ध्यान दिए, ये सूजन बढ़ता चला जाता है और फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो मोस्ट कॉमन जो होती है, जो सबसे कॉमन है, एक तो पेन होगी और सूजन होगी। सूजन जब आप दिन भर काम करेंगे तो बढ़ता रहेगा और जब आप लेटते हैं, आराम करते हैं, तो फिर वो अपने आप नीचे। में क्या करें, डॉक्टर से कब संपर्क करें, इलाज क्या है, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। इस बीच कार्यक्रम में हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ गई हैं, इनका सवाल यहां ले लेते हैं। रोजी जी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका रोजी जी, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी मैम, मेरा बेटा 12 इयर्स का है, 4 साल का, 12 अच्छा, साल का है वो, ठीक है। तो उसकी अभी ओपन हर्निया हाइड्रोसिल की सर्जरी हुई है। तो मैम मेरे को ये पूछना है, वो जैसे स्कूल कब जा सकता है और इन फ्यूचर उसको कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी वो 12 इयर्स का है, मैंने अभी ऑपरेशन कराया है, तो ये एज सही है ऑपरेशन की? जी डॉक्टर चौबे क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि हर्निया की कोई ऐसी एज नहीं होती, जिस एज में हर्निया होता है उसी एज में ऑपरेशन करने की जरूरत होती है। और हम ये भी जानते हैं कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई दूसरा इलाज दवाइयों से नहीं होता है। और आपके बच्चे का ऑपरेशन हो गया है और कितना समय हो गया ऑपरेशन का आपका? जी सर, वन मंथ हुआ है अभी। तो मेरे ख्याल से काफी समय गुजर चुका है और प्रैक्टिकली अब आपका बच्चा मेरे ख्याल से हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है और हर तरह का खाना खा सकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 हफ्ते बाद कोई उसको रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत है। सर जैसे वो स्पोर्ट्स में है तो इन फ्यूचर क्या उसको कोई स्पोर्ट्स में परेशानी तो नहीं होगी?
नहीं नहीं हर्निया का रिपेयर होने के बाद में जो जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो नॉर्मल बच्चे के समान ही है। तो उसको जो भी फिजिकल है कि ये दोबारा भी हो सकता है, इसी डर की वजह से मैं नहीं। उसे हाँ, पर आपका ठीक कहना है, पर हर्निया दोबारा भी हो सकता है, बहुत कम परसेंटेज में होता है आज के सर्जरी की स्टैंडर्ड के हिसाब से। मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले ज़रूर ये बात बहुत कॉमनली देखी जाती थी, बट आज जिस टेक्निक से इलाज होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस दोबारा बच्चे को हर्निया होने की चिंता करना चाहिए। और सर, आगे जैसे जाके वो उसको वो कितना वेट उठा सकता है? मतलब कई लोग बोलते हैं बस जो हर्निया पेशेंट होते हैं वो सिर्फ 5 kg वेट उठा सकते हैं, और हालांकि देखिए वो तो आगे जाके जेंट्स मतलब है, तो उसे तो काफी इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है, जो जो अपनी बॉडी से कंफर्टेबल वेट उठा सकता है उसमें कोई मेडिकली और सर्जिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरा ये विचार होगा कि आप उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट ना करें, और जैसे बाकी सब बच्चे कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ ही उसको लीड करने दीजिए। बिल्कुल रोजी जी, तो हमें उम्मीद है कि जितनी भी आपकी आशंकाएं हैं उसका निवारण यहाँ पर हो गया होगा, और आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल आम जिंदगी जी सकता है, और किसी भी तरह से अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर चौबे, जैसे कि अभी बात की हमने कि एक बच्चा है 12 साल का, उसे ये समस्या हो गई, यानी कि क्या उम्र से इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है? किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है जी। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो जिसका एज से कोई रिलेशन नहीं है। सो कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं उस वक्त भी उनको हर्निया होता है, कुछ बच्चे बाद में हर्निया डेवलप होता है, और किसी भी एज में हर्निया हो सकता है। और ये कहा जाता है कि हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो पैदा होने से हमारे जिंदगी के आखिरी दिन तक किसी वक्त भी हो सकती है। जी जी जी, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर अभिनव, खास तौर पर हर्निया का जब भी जिक्र आता है तो इस बीमारी को आमतौर पर पुरुषों से जोड़कर देख लिया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? ये बात बहुत कॉमन है कि सबके जहन में आती है कि पुरुषों में कॉमन है, ये फैक्ट है जी, कि पुरुषों में ये बीमारी जो है हर्निया सबसे कॉमन होती है। और खास करके जब हर्निया है, ज्यादातर जो हर्निया होती है पेरू वाले हिस्से में होती है, जो ग्रोइन हर्निया जिसको कहते हैं जी, इंग्वेनल हर्निया कहते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है जो हर्निया में अगर देखी जाती है तो 75% केसेस जो होते हैं वो ग्रोइन हर्निया ही बोलते हैं, और जनरली ये सब जो कॉमन होते हैं ये पुरुषों में ज्यादा होते हैं जी। उसके कारण भी हैं कि जो अंडकोश जैसे नीचे आती हैं तो वहाँ थोड़ा सा उनमें एक एक नेचुरल ऑरिफिस रहती है, जो समय के साथ अगर कुछ पुरुषों में उसी के थ्रू जो वीकनेस जो बोलते हैं, जो आपने बताया कि वॉल में वीकनेस होती है, उसे हर्निया। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। रोशन तिवारी जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो रोशन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रोशन जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, लग रहा है रोशन जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कार्यक्रम में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं, और जैसे कि बात हो रही थी कि उम्र कोई नहीं होती है इस बीमारी की, डॉक्टर अभिनव एक सवाल में देख रही हूँ कि ये आया है राम प्रवेश यादव जी का आरा बिहार से, और इन्होंने लिखा है कि मेरा बच्चा 30 दिन का है और उसको हर्निया हो गया है, तो क्या उसका ऑपरेशन हो सकता है या नहीं, वो जानना चाहते हैं। हाँ, राम प्रवेश जी बताए ना आपने? जी जी हाँ, बच्चों में जब भी हर्निया का अगर आपको पता चल जाता है, जैसे अभी आपका बच्चा 1 महीने का है, तो बच्चों में ये कॉमन होता है जिनको कॉन्जेनाइटल हर्निया बोलते हैं। और सबसे पहला काम है जब भी हर्निया हो तो चिकित्सक से जरूर मिलें, खास करके जो इस जो बच्चों वाली सर्जरी करने में जो एक्सपर्ट हैं उनसे जरूर मिलें, सलाह लें, और घर पे ना बैठें, और जाके उनसे करेक्ट जो एक होता है ना कि समस्या के इसके बारे में जानें और फिर बताएं। अगर उस तरह का अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें सर्जरी का एक उपाय है उसमें। जी जी बिल्कुल।
और इसी के साथ यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, साथ ही आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे साथ जुड़ के अपने टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम हर्निया बीमारी के बारे में आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ देश के जो दो जाने माने सर्जन मौजूद हैं जिनसे हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपको भी बता दें कि आप भी अगर इस समस्या से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर चौबे, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर अभिनव ने भी अभी अभी जिक्र किया था दो तरह के हर्निया के बारे में, तो ये हर्निया होते कितने प्रकार के हैं? देखिए, हर्निया का जो प्रकार होता है वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे है। तो जैसे हमारे अगर नाभि में है तो उसको हम लोग अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, और अगर नीचे ग्रोइन में है तो उसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। एक फीमरल कैनाल होती है, उसमें अगर हर्निया होता है तो उसको फीमरल हर्निया कहते हैं। और अगर किसी पेट में अगर कोई इंसिजन लगा है या पहले का कोई ऑपरेशन है और अगर उस स्कार के थ्रू अगर हर्निया होता है तो उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं जी। और अगर हमारे पेट और छाती के बीच में जो एक ओपनिंग होती है जिसको हाइटस कहते हैं, अगर उसके थ्रू हर्निया है तो उसको हाइटल हर्निया कहते हैं। अगर हम इसको समझना चाहें तो हर्निया तो कॉमन वर्ड है, और जिस लोकेशन में होता है और जिस शरीर के जिस हिस्से में होता है उस हिस्से का जो नाम लिया जाता है उससे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि किस जगह का ये हर्निया है। जी जी बिल्कुल, और इसके बारे में आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ लेते हैं। संतालाल जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। चंपालाल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, सुन रहा हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें, पूछे अपना सवाल। हाँ जी सुन रहा हूँ जी। चंपालाल जी, फोन पे। चंपालाल जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कृपया टीवी का जो वॉल्यूम है उसे बंद कर दें, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। चलिए, यह लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, और इसीलिए तमाम जो हमारे दर्शक है जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, अपने सवालों के साथ यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए गुजारिश यही रहेगी कि जब भी हमसे बात करें तो जो टीवी की आवाज़ है उसे बंद कर दिया करें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अन्यथा इसी तरह से बातचीत में रुकावट आती है और कई बार संपर्क भी टूट जाता है। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर अभिनव, जैसा कि अभी बातचीत में बताया भी आपने कि सामान्य तौर पर पुरुषों में हर्निया की समस्या होती है, लेकिन क्या महिलाओं में भी ये समस्या हो सकती है और क्या वजह हो सकती है अगर महिलाओं में इस तरह की समस्या आ सकती है तो? या महिलाओं में और पुरुषों में हर्निया के लिए दोनों में संभावनाएं बराबर होती हैं जी। उन दोनों में हर्निया जो भी जिस तरह से सर ने हमें बताया अभी कि जितने तरह के हर्निया सब हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं में जनरली पाया गया है, एक टर्म थी जो सर ने कही थी फीमोरल हर्निया जी, वो थोड़ा कॉमन होता है। वो इसलिए कॉमन होता है कि उनकी बनावटी जो होती है, जो नीचे की जो हड्डियां होती हैं और वो उनमें बनावटी होने के कारण उनमें फीमोरल हर्निया का इंसिडेंस जो कहते हैं जो उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन सारे हर्निया
पुरुषों में और महिलाओं में सब हो सकती हैं, लेकिन ये सब ज्यादातर देखा गया है कि जो भी हर्निया होती हैं महिलाओं में भी हैं, प्रेगनेंसी से जोड़ा गया है इसे कि प्रेगनेंसी होने के बाद थोड़ा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो उसमें हड्डियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं, या पहले कोई सर्जरी हुई है, कोई चीरा लगा है, कट लगी है, तो वहां पे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो उससे भी हड्डियां हो जाती हैं। जनरली आप देखेंगे महिलाओं में बहुत सारे प्रसव के समय जो इनको ऑपरेशन से जो सर्जरीज होती हैं तो उसमें भी जहां ऑपरेशन होता है तो वहां संभावना हो जाती है हर्निया डेवलप करने की चांसेस उनमें ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर चौबे ऐसी स्थिति में जबकि जैसे कि बता रहे थे कि गर्भावस्था के बाद प्रसव के बाद जो है संभावना बढ़ सकती है हर्निया की महिलाओं में, तो ऐसे में क्या बचाव के लिए किसी तरह के उपाय किए जा सकते हैं, क्या करें ऐसे में? देखिए जो हर्निया से जो बचाव हम करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ यही होता है कि बचाव करने वाली जो चीज है वो वजन है। जी, अगर हम किसी तरह से अपनी ओबिसिटी को और वजन को कम कर सकें तो हर्निया की अपॉर्चुनिटी और चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बट जैसे प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी में भी अगर महिला का स्वास्थ्य नॉर्मल है और वजन नॉर्मल है तो भी हर्निया के चांसेस कम हो जाते हैं। बट जो अगर महिला का वजन ज्यादा है और ओबिसिटी है तो प्रेगनेंसी के दौरान पेट के अंदर जगह बनाने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे वीक एरिया है जैसे नाभि है जहाँ से हर्निया हो सकता है, या कोई पुराना एब्डोमेन में स्कार है कि अपेंडिक्स का स्कार हो या यूट्रस का और ओवरी के किसी ऑपरेशन का स्कार हो या और भी किसी किस्म का स्कार हो तो वो स्कार में स्ट्रेच पड़ता है, जैसे हमारी कपड़ों की सिलाई उखड़ जाती है उसी तरह से प्रेगनेंसी में जब एब्डोमेन एनलार्ज होता है, बड़ा होता है तो हो सकता है कि वो पहले के ऑपरेशन की सिलाई, यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार ही वजन उठाए, अत्यधिक वजन ना उठाए, यही बचाव का एक तरीका हो सकता है। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं। वीणा जी गुजरात से इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीणा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो वीणा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए हमारा संपर्क टूट गया है और यहाँ पर एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं, कई दर्शकों ने हमें ईमेल भेजा है। तो डॉक्टर चौबे यहाँ पर एक ईमेल भेजा है विजय माने जी ने जम्मू से, और उन्होंने सवाल ये पूछा है कि उनकी दादी जो हैं वो उनका वजन 110 है और उनके पेट में हर्निया का ऑपरेशन कराना क्या ठीक रहेगा? एज कितनी है उनकी, एक एज लिखा है कहीं पे? एज तो 60 साल लिखा है लेकिन दादी के अनुसार 60 साल अगर हो तो बताएं। नहीं, एक्चुअली देखना है कि अगर हर्निया से परेशानी है तो जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर पेशेंट की जनरल कंडीशन ठीक है और एनेस्थीसिया का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है तो ऑपरेशन ही कराना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि अगर 60 साल की उम्र है तो हमारे पास में अभी काफ़ी वक्त है, ऐसा ना हो कि बाद में जाके हर्निया फंस जाए या हर्निया इतना बड़ा हो जाए कि चलने फिरने में भी परेशानी हो। तो मेरी ये सलाह रहती है कि अगर हर्निया है और बाकी कंडीशंस ठीक है तो ऑपरेशन करना ही एक अच्छा उसका उपाय है ताकि हर्निया से क्योर हो जाए और आगे की लाइफ में इस परेशानी से हम पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और एक और सवाल यहाँ पर ले लेते हैं डॉक्टर अभिनव। एक सवाल पूछा है विकास कुमार जी ने जबलपुर से, और उनका सवाल ये है कि मेरा हर्निया का ऑपरेशन 2 साल पहले हुआ था, जब से ऑपरेशन हुआ है तब से मेरा स्टमक ठीक नहीं रहता है और दिन में 2-3 बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या करें? जबलपुर से नाम क्या बताएं? विकास कुमार। विकास जी, आपका जो सर्जरी, दो चीज़ आपको समझनी है, एक जो हर्निया की सर्जरी होती है पेट के मसल और दीवाल जिसको कहते हैं उसके लिए सर्जरी होती है, अगर वहाँ पे अगर आपको कोई पेन या स्वेलिंग अगर नहीं है सर्जरी होने के बाद तो जनरली वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन पेट की समस्या एक अलग समस्या होगी जिसके लिए एक फिजिशियन से जो भी आपके पास में रहता है उनसे एक सलाह लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हर्निया से इसे अभी जोड़ने की मुझे नहीं लगती है कि ये इसको एसोसिएट किया जाए, इसे जोड़ा जाए, क्योंकि ये एक समस्या खान पीन के कारण भी हो सकती है और भी कारण है, तो इसका एक इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं ना, परामर्श लेना जरूरी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं और कहां से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैडम, अपना नाम बताएं कृपया। जी लक्ष्मण यादव। जी लक्ष्मण जी, कहां से कॉल कर रहे हैं आप? मैं मध्य प्रदेश। जी लक्ष्मण यादव। जी लक्ष्मण यादव जी, मध्य प्रदेश से। बताइए लक्ष्मण जी। मध्य प्रदेश बैतूल से। ठीक है ठीक है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी अपना सवाल पूछिए। जी 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 लक्ष्मण जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आती है, देरी होती है। जी 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 मैडम, मध्य प्रदेश बैतूल से बोल रहा था। हाँ अपना सवाल पूछिए। जी वो मेरा पेट मोटा हो गया थोड़ा सा वो। जी हेलो। जी बिल्कुल, तो अपने वजन बढ़ने की बात बता रहे हैं डॉक्टर चौबे, और जैसा कि बातचीत में आई भी है कि जो वजन है वो एक रुकावट हो सकती है, इस समस्या का कारण भी बन सकती है, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए ऐसा है कि वजन, जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे वजन बढ़ता है तो क्या होता है कि जो एब्डोमेन के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता है जी। और प्रेशर बढ़ने से जो हमारे एब्डोमेन वॉल में जो एरिया वीक है, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि या तो बीच की लाइन है जहाँ हम एक सीधी लाइन देखते हैं जहाँ पे हमारे शरीर के दो हिस्से जुड़ते हैं और नाभि है और दोनों ग्रोइन है, इंग्वाइनल रीजन है जी। तो ये सब वीक एरियाज होते हैं। जब हमारे एब्डोमेन में फैट बढ़ता है और चर्बी बढ़ती है तो उसके कारण हमारे एब्डोमेन के अंदर का प्रेशर बढ़ता है और दीवार के ऊपर खिंचाव होता है और उस खिंचाव के कारण जो वीक एरिया है वो वहाँ की मसल ब्रेक हो जाती है और वहाँ से हर्निया निकल आता है। तो जैसा हम लोग देखते हैं हर्निया का मोटापा और हर्निया एक बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन देखते हैं जी, जी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बात का आता है कि अगर पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा है और मोटापा बहुत ज़्यादा है तो इनका अगर हम हर्निया रिपेयर भी करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, तो उस ऑपरेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते। अच्छा। इन पेशेंट्स को हर्निया दोबारा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जी, जी, जी। तो इसीलिए पेट वजन को ना बढ़ने देना एक बहुत अच्छी बात है और अगर वजन ज्यादा है तो हर्निया के ऑपरेशन के पहले अगर वजन कम करके हर्निया का ऑपरेशन किया जाए तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जी। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। अशोक गोयल जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका अशोक जी, पूछे सवाल। अशोक जी मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी हाँ जी, आप सुनिए जी। जी अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे को ना, मेरी एज 67 है। ठीक है। तो मेरे को हाइटस हर्निया है। हाइटस हर्निया। ठीक है। हाँ, इसका इस एज में ऑपरेशन पॉसिबल है? जी आइए जानते हैं डॉक्टर अभिनव जी। ये कैन वी, ये जो हाइटस हर्निया प्रॉब्लम है इसके लिए दो तरह से इलाज होती है। एक होता है मेडिकल उपचार, एक सर्जरी। ठीक है। सर्जरी का उपचार करने के लिए आपको जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे एक सिम्टम्स होता है इसमें खट्टेपन लगना, अन्य ये जिसको कहते हैं छाती में जलन होना, रिगर्जिटेशन बोलते हैं, एसिड खट्टे डकार जैसे आती हैं, ये सब सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तब वो सब बन जाती है कि इस समय आपको मेडिकल उपचार नहीं करनी पड़ेगी और उसमें आपकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है जी, जी। तो वो तब जो है सर्जरी के लिए आप एक कंसल्ट करेंगे एंड देन उसके उसका जो निवारण है सर्जरी से हो सकता है जी। बिल्कुल, तो अशोक जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7:00। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9:00।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। स्वस्थ किसान में आज हम हर्निया की समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इस रोग के बारे में आप जानना चाहते हैं और इसके समाधान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञों से आप राय ले सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं और इसके लिए आपको बस हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार टोल फ्री नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर मुफ्त में कॉल करें और जो समाधान है वो जान सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर चौबे, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि बातचीत हो रही थी यहाँ पर हर्निया की समस्याओं के और उसके कई लक्षणों के बारे में भी बात हुई, लेकिन ये जो लक्षण है बहुत ही आम लक्षण है, इसमें कई बार संदेह हो सकता है कि ये कोई आम एसिडिटी की बीमारी तो नहीं है, अगर जलन की बीमारी की जहां तक बात हो रही थी या इस तरह से, तो कैसे डायग्नोस होता है कि ये जो समस्या है वो दरअसल हर्निया की ही समस्या है? देखिए, जो हम हाइटल हर्निया का जो जिक्र कर रहे थे, जी जी, हाइटल हर्निया एक्चुअली हमारे फूड पाइप जो हमारे खाने की नली है और जो पेट की थैली है उसके बीच में का जो जंक्शन होता है वो वहाँ पे एक वैल्व होता है। जब वो वैल्व काम नहीं करता तो उस तरह से एक हाइटल हर्निया क्रिएट हो जाता है और हमारे पेट के अंदर का खाना, तेजाब, जो भी चीज़ होती है वो खाने की पाइप के अंदर, जो फूड पाइप है उसके अंदर आ जाती है, जिसके कारण छाती में जलन होती है और कई अगर एडवांस केसेस हैं तो खाना भी हमारे मुंह से और नाक से निकलने लगता है। तो ये हाइटस हर्निया के सिम्टम्स होते हैं और इसको डायग्नोसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। और इसकी सबसे जो अहम डायग्नोस्टिक जो टूल है और जिसके कारण हम इसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस मरीज़ को हाइटस हर्निया है, वो एंडोस्कोपी होती है, तो जो मुँह से की जाती है और इस एंडोस्कोपी से हम ये मालूम कर सकते हैं कि किसी मरीज़ को हाइटल हर्निया है या नहीं है। और दूसरा, जो हमारा जो फुट पाइप है वो तेज़ाब से उसमें कितनी जलन हो चुकी है, कितनी इंजरी हो चुकी है और कितना बर्न हो चुका है। सो इस तरह से हम हाइटल हर्निया का इलाज कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर अभिनव ने अभी पहले बताया कि सबसे पहले हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि अगर दवाइयों से इन मरीज़ों को फ़ायदा हो जाए, खान पान के परिवर्तन से और दवाइयों से, तो वो सबसे अच्छा मान सकते हैं। बट अगर किसी कारण से दवाइयों से और खाने पीने से अगर इसका असर नहीं होता तो इसका दूसरा इलाज अब काफ़ी समय से दूरबीन द्वारा किया जाता है जी, जी, और दूरबीन से इस हर्निया को रिपेयर कर सकते हैं। और दूरबीन से करने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या तकलीफ या परेशानी नहीं होती है और करीब एक या दो दिन में पेशेंट का ये सारा इलाज, ऑपरेशन सब कुछ हो जाता है और बहुत जल्दी वो अपने काम पे वापस जा सकते हैं। जी, तो दूरबीन से जो इलाज किया जाता है हर्निया का, उससे जुड़ा हुआ सवाल भी हमारे पास है, लेकिन उसे हम लेंगे। उससे पहले एक कॉलर जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। मीना जी गुजरात से इस वक्त हमारे साथ है। मीना जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हेलो जी मीना जी। आवाज आपकी स्लो आ रही है मेरी। हेलो। हाँ हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं मीना जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे 2006 में कैंसर की सर्जरी हुई थी और परमानेंट कोलोस्टोमी हुई थी। अब 2012 से मुझे हर्निया की प्रॉब्लम आ रही है। मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो मेरा लूप है उसमें से बाहर हर्निएट हो चुका है। तो मुझे ये पूछना है कि जब भी मुझे गैस होती है तो मुझे बहुत पेन होता है और मुझे कंप्रेस करके वो पोर्शन को लेटना पड़ता है। तो मेरे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि आप यदि मैनेज कर सकते हैं इसको वंस इन, यदि वीक में दो एक बार हो रहा है तो आप ऑपरेशन में मत जाइए, जबकि जो गैस्ट्रो सर्जन है वो बोल रहे हैं आपको सर्जरी करानी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैंसर की सर्जरी टाइम मेरा यूट्रस एंड ओवरी सब निकल चुका था, रेक्टम भी निकल चुका है, तो ऐसे मेरे केस में ये हर्निया की सर्जरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, मुझे करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ये पूछना है। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि इसके ऑपरेशन के बाद मेरी लाइफ एकदम सेडेंटरी तो नहीं हो जाएगी, वो जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, अभी मैं पूरी एक्सरसाइज वगैरह सब कर पाती हूँ। बिल्कुल, हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं। डॉक्टर चौबे, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें, क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा इनकी बातों से लगता है कि इनकी एक तो एज कम है और इनको उनको ये जो हर्निया हुआ है जहाँ पे इनकी इंटेस्टाइन बाहर निकाली है उस जगह से हर्निया है, और मेरे ख्याल से वो जो एरिया है उस वो एरिया सारे जिंदगी के लिए वहाँ पे रहेगा। तो अगर उस एरिया में हर्निया है तो मेरा ऐसा विचार है कि एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, और अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हर्निया काफ़ी बड़ा है और इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है तो उसका ऑपरेशन करना चाहिए। उसमें हम मैश लगा सकते हैं दूरबीन द्वारा और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं।
ऐसा नहीं है कि हमको उसको इसी तरह से छोड़ देना चाहिए। और ऑपरेशन के बाद में मेरा ऐसा ख्याल है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा और जो हर्निया अभी छोटा है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये हर्निया बहुत बढ़ जाएगा तो इनके लिए काफ़ी फिजिकल प्रॉब्लम चलने फिरने में और काम करने में और बाकी चीज़ों में फिजिकल एक्टिविटी में हो सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हर्निया का विचार दूरबीन द्वारा किया जाए। बिल्कुल, तो मीना जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपके मन में जो दुविधा होगी वो दुविधा भी दूर हो गई होगी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि दूरबीन से इलाज से जुड़ा हुआ एक सवाल है, डॉक्टर अभिनव मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि मिराज अहमद जी ने हमें एक सवाल भेजा है और उन्होंने लिखा यह है कि हर्निया का जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है क्या फिर से हर्निया होने का डर रहता है ऐसे में? ये जो सवाल इन्होंने पूछा है बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है जी। ये कॉमन सब में होती है। हर्निया की सर्जरी आप चाहे आप चीरे लगा के करें या दूरबीन से करें, अगर सर्जरी अच्छी सी हुई है, अगर उसमें जाली लगी है और अच्छे से सर्जरी हुई है तो रिकरेंस होने का चांस कम होता है। एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर होता है जो हम लोग अभी काफी देर से बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि आप सर्जरी के बाद क्या करते हैं। सर्जरी के बाद आपको परहेज रखना है कुछ दिन तक, जैसे आप भारी वजन नहीं उठाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं नॉर्मल, तो ये समस्या नहीं आती है जी। तो इसलिए जब जो पहला पार्ट तो आपके सर्जन का पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट जो आपकी है फिजिकल एक्टिविटी, जो आपको जो सर्जन आपको सलाह देते हैं कि 3 से 4 हफ्ते भारी वजन ना उठाएं, नॉर्मल एक्टिविटी करते रहें, खान पान सही रखें, वजन ना बढ़े, ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे, जो हमारा प्रोग्राम का कार्यक्रम का नाम है स्वस्थ स्वस्थ, अगर लाइफ स्टाइल अपना अपने जीवन में लाते हैं तो ये समस्या नहीं आती है लोगों में जी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंदौली उत्तर प्रदेश से, किशन कुमार जी। किशन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी डॉक्टर साहब। जी सुन रहे हैं आपको, पूछिए। हाँ तो ये पूछना चाह रहे हैं ना कि 1 महीना का बच्चा था तो उसका हर्निया हो गया रहा बच्चे को, ठीक है, तो डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन भी करना पड़ेगा या दवा से भी, तो दवा से तो सही हो क्या गया, इस समय 3 महीना का है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उसको फिर भविष्य में ऑपरेशन करना पड़ेगा या ठीक हो जाए, अभी सब स्वस्थ है बच्चा। बिल्कुल, यही आशंका बार बार रहती है डॉक्टर, क्या ऐसे में बताएंगे? जनरली देखा गया, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि 1 महीना का जब बच्चा था तो हर्निया थी वहाँ की, और जैसे जैसे बच्चा 3 महीने का हो गया तो अब लग रहा है कि हर्निया नहीं है। अब इसमें दो चीज़ हैं कि कुछ कुछ ऐसी हर्निया होती हैं जो बहुत कम नमें कि जैसे थोड़ी सी एज बढ़ती है तो वो डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा जब बढ़ रहा होता है तो उनकी मांसपेशियों में भी चेंजेस आते हैं, बनावट होती हैं, जो दीवार बनती है, जो मसल की जो दीवार होती है वो होते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज़ आपको सलाह देनी होती है कि जिस डॉक्टर से आपने दिखाया है, जिस सर्जन से दिखाया है, उससे लगातार परामर्श करते रहें, क्योंकि ये ना सोचें कि एक मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये हर्निया मेरा अपने आप ठीक होता है, बिकॉज आपको होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर हर्निया अगर फंस जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है जी। बिल्कुल किशन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर चौबे आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो एम्ब्लाइकल हर्निया है या इंग्वाइनल हर्निया है, क्या इसके शुरुआती स्तर में भी क्या इसका इलाज घर में संभव है, कब जाने कि डॉक्टर के पास जाना ही बेहतर है या जाना चाहिए? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इन पेशेंट्स को पहले तो सर्जन के पास जाना चाहिए और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल इवेल्यूशन पूरी तरह से उसको समझना और डॉक्टर क्या उनको सलाह देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर जो जैसे हम लोगों ने देखा है कि बहुत से पेशेंट्स इसमें मालिश करके या किसी होम्योपैथी से या आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसका इलाज करना चाहते हैं, वो हर्निया में पॉसिबल नहीं होता है जी। क्योंकि सिंपल सा प्रिंसिपल है, जैसे हमारा अगर कपड़ा फट गया तो उसको सिलना ही पड़ेगा और पैच लगाना पड़ेगा जी। तो उसी तरह से हर्निया का भी है, अगर हर्निया है तो एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है और उसके बाद में ज़्यादातर पेशेंट्स में इसका ऑपरेशन करके ही इलाज किया जा सकता है और रिपेयर
किया जा सकता है, क्योंकि एक ये रिपेयर का ऑपरेशन होता है और ज्यादा समय इंतजार करने में एक तो हर्निया की साइज बढ़ती जाती है और दूसरा हर्निया का फंसने का चक्कर रहता है कि किसी वक्त भी खांसी आई या छींक आई या कोई वजन उठाया और हर्निया बाहर आया और फिर अंदर नहीं गया, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड एंड स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बोलते हैं, वो एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है जिसमें काफी परेशानियां उठानी पड़ती है और बहुत जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ता है, अदरवाइज वो इंटेस्टाइन वगैरह जो बाहर आती है उसको भी गैंग्रीन हो जाता है, उसको भी निकालना पड़ता है। बिल्कुल, और कई बार ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि लोग परहेज करते हैं डॉक्टर के पास जाने में, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मालिश करने में बड़े माहिर होते हैं और उनके पास चले जाते हैं, तो क्या ये उपाय कारगर है उनके लिए और क्या ऐसा करना चाहिए, इसके बारे में आगे हम विशेषज्ञ से उनकी राय जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम हर्निया की समस्या के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, और अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर अभिनव, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि कई ग्रामीण इलाके के लोग ऐसे हैं जो मालिश करने में बहुत ही माहिर होते हैं और कहते हैं कि वो जो हर्निया है वो सेट कर सकते हैं, और कई लोग उनके पास भी जाते हैं, क्या ये उचित है, क्या करना चाहिए ऐसा? पहला बात की दो वर्ड का आंसर है नहीं, एकदम नहीं करना चाहिए। एक मैसेज है, एक संदेश है कि जब भी हर्निया हो जी, मालिश नहीं करनी है। बहुत सारा देखा गया है कि बहुत सारे हमारे यहाँ मरीज आते हैं, एक पहले होता था कि एक यंत्र आती थी जिसको ट्रस कहते थे, वो भी लगा के वो रखते थे, वो कि जहाँ हर्निया है उसको दबा के रख लिया और दिखे, ये वो वाली बात हो गई कि जो जैसे एक शुतुरमुर्ग होती है चेहरा छुपा लिया, लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है जी, जी। और अगर आप मालिश करते हैं उस पर और लगता है कि ये स्वेलिंग खत्म हो गई, क्योंकि ये हर्निया के वो लक्षण ही ऐसे होते हैं कि आपको स्वेलिंग दिखती है, और आप जैसे अगर आप लेट गए, अगर आप भरी वजन नहीं उठाते हैं, खांसी नहीं होते हैं, अगर आप लेट गए तो अपने आप अंदर चला जाता है। आप मालिश करते हैं और कोई इस तरह का यंत्र लगाते हैं, उससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि हमने एक चीज़ समझा कि ये प्रॉब्लम कैसे, जैसे सर ने भी हमें सर ने बताया डॉक्टर चौबे ने, कि एक तरह की वो कपड़े जैसे फट गई है जी, तो उस तरह की एक वहाँ हमारे मांसपेशियों में एक वीकनेस डेवलप हो गई है, तो उस वीकनेस का इलाज है सर्जरी, उस वीकनेस का। ये मालिश करना या किसी तरह का यंत्र जो ट्रस कहते हैं ये सब लगाना उसका उपचार नहीं है, उसको अपना जो उपचार के प्रति से ध्यान भटकाना है। और हर्निया में एक हमेशा एक दूसरी संदेश ये है कि जब भी हो, जैसे कहते हैं जितनी जल्दी आप आएंगे, आप परामर्श लेते हैं किसी चिकित्सक से, आज सबसे बढ़िया शल्य चिकित्सक जिसको कहते हैं सर्जन, उससे लें तो ज्यादा अच्छा रहता है आपका स्वस्थ होना, ठीक, यानी कि बीमारी को गंभीर रूप ना लेने उससे पहले ही डॉक्टर से संपर्क करें तो ये बेहतर रहता है। तो उपचार की कई विधियों के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है, और डॉक्टर चौबे, चिकित्सा विज्ञान में तो हम काफी तरक्की कर रहे हैं, बहुत आधुनिक विधियां आ गई है, लेकिन फिर भी जो कुछ संशय लोगों के मन में रहता है उससे जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे लोग ये सोचते हैं कि ये बड़े चीरे का इलाज कराएं या दूरबीन का इलाज कराएं, तो इस तरह की दुविधा अगर मन में हो तो आप क्या सुझाव देंगे उन्हें? देखिए, जो हर्निया का जो अभी मॉडर्न इलाज है और जो
सबको ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर हर्निया का इलाज दूरबीन की पद्धति द्वारा किया जाता है तो वो सबसे अच्छा इलाज मानते हैं, क्योंकि इसका एक तो सबसे बहुत तेज़ी से ये इलाज हो जाता है, दूसरा और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, पेशेंट को बहुत ज़्यादा समय हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं होती, दुख तकलीफ नहीं होती, और आप अपने काम में कुछ दिनों में अपने काम पे वापस जा सकते हैं जी। और बहुत कम रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे वजन उठाना, सीढ़ी चढ़ना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन दूरबीन के ऑपरेशन के बाद में नहीं होता है जी, जी। और जो दूसरा हर्निया का प्रिंसिपल अभी रिपेयर करने का जो मॉडर्न प्रिंसिपल है उसमें यह है कि ज्यादातर हर्निया में, एक्सेप्ट जो बच्चे जो जिनका हर्निया होता है, बट ज्यादातर हर्निया में हमको एक मैश यूज करना पड़ती है, जो जो मसल वीक है या जो मसल फटी हुई है उसको ताकत देने के लिए बाहर से अंदर हम पेट के अंदर एक मैश लगा देते हैं जिससे वो एरिया मजबूत हो जाता है, और इस तरह से हर्निया का दोबारा होने के चांसेस करीब ना के बराबर हो जाते हैं। सो दूरबीन द्वारा मैश लगाना ही एक मॉडर्न तरीका है हर्निया के इलाज के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, उनका सवाल लेते हैं। सुनीता राय जी असम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका सुनीता जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार सुनीता जी, पूछिए सवाल। हाँ, मुझे सर से पूछना है कि मेरे हस्बैंड का साइड में पेन होता है, ठीक है, और हल्का सा फूला हुआ था, मैंने जब डॉक्टर से दिखवाया तो उन्होंने कहा कि गैस की वजह से हो सकता है, लेकिन वो मुझे लगता है गैस वैस ना हर्निया ही है शायद जी। तो क्या इसलिए मैं क्या करूं, अभी शुरुआती ही है, वो 3-4 महीना से बोल रहे थे कि हल्का हल्का मुझे मतलब दर्द हो रहा है, लेकिन वो होता है ठीक हो जाता है, होता है ठीक हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या मैं कर सकती हूँ? मेरे ख्याल से जो जैसा आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो ये हर्निया ही लगता है, बट डेफिनेटली किसी सर्जन को दिखाइए और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ये डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाएगी कि हर्निया है या नहीं है। और अगर हर्निया है तो जैसा हम पूरे प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दूरबीन पद्धति द्वारा मैश लगा के इस हर्निया का रिपेयर किया जा सके तो वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा जी। बिल्कुल, तो सुनीता जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अभिनव जानना चाहेंगे कि हर्निया के इलाज के लिए जो जाली लगाने की पद्धति अपनाई जाती है, क्या वजह है, क्या फायदे हैं, इसके बारे में हमें कुछ और विस्तार से बताइए। हर्निया की सर्जरी में आजकल जो पहले था, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले के जैसे एक जस्ट एक कॉमन मैन की तरह समझा रहा हूँ जी, कि जैसे हमने अभी बातें की पूरे प्रोग्राम में कि हर्निया में जैसे एक चादर की तरह है, वो वीक हो गई, तो जनरली क्या होता है कि पहले क्या करते थे कि टिश्यू रिपेयर कर, जैसे रफू करते थे, जैसे दर्दियां के पास जाते थे रफू करते थे, तो जनरली इंसानों में पाया गया कि हमारे वो रफू करने से नहीं होता है, तो उसके ऊपर एक पैच लगाना पड़ता है जी। और उस पैच को जो हम अपने मॉडर्न टर्म में कहते हैं वो मेश कहते हैं, तो मेश लगाना आज के तारीख में सबसे बढ़िया है, दैट इज री इन्फोर्स करता है उस वॉल को और उसमें मजबूती प्रदान करता है, जहां वीकनेस हो गई थी उसमें मजबूती प्रदान करता है। तो मोस्ट ऑफ द सर्जरी, जितनी सर्जरी है उसमें जाली ही लगना जो आज के मॉडर्न टाइम में वो एक उसकी रिक्वायरमेंट है और वही करते हैं जी। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम में एक आखिरी ईमेल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। और डॉक्टर चौबे एक ईमेल भेजा है दिनेश सिंह जी ने कानपुर से, इन्होंने पूछा यह है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी से डिफेंस मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नहीं, मेरे ख्याल से इनका कहने का मतलब ये, पूछने का मतलब ये है कि अगर डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो जी नहीं, आई थिंक बल्कि जो एक मेडिकल फिटनेस की जो जरूरत होती है, हाँ। बट मेरे ख्याल से पहली बात तो हर्निया के रहते हुए मेडिकल फिटनेस नहीं मिलेगी और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर दूरबीन की पद्धति से उसका ऑपरेशन होता है तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको फिटनेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। और ये जो रिपेयर है वो यानी कि एक बार हर्निया हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, फिर कोई दिक्कत फिर नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, 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 जी। फिर आप नॉर्मल पॉपुलेशन में जैसे लोग हैं उनके समान है, आपको कोई स्पेशल प्रिवेंशन या प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल, और डॉक्टर अभिनव बहुत ही छोटे बच्चे जो हैं उनमें जब हर्निया की समस्या आ जाती है, और कुछ बातों का जिक्र हमने किया भी इस कार्यक्रम के दौरान, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे खास तौर पर? छोटे बच्चों में जब हर्निया होती है ना, छोटे बच्चों में समस्याएं अलग सी होती हैं।
छोटे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं अपनी समस्या बता नहीं पाते जी। जब भी आप देखें कि हर्निया की कोई सूजन हो रही है और आपको है, तो पहला चीज होता है कि चिकित्सक से सलाह लें और जो सर्जन है उससे सलाह लें। उनमें सर्जरी करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चों में अगर वो हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जो सर भी बातें कर रहे थे कि सबसे बड़ी चीज है कि अर्ली कर लेंगे तो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑब्स्ट्रक्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है, फिर उसके बाद उसकी ना मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों में जब भी हर्निया देखें, चाहे वो नाभि के पास हो, चाहे वो ग्रोइन एरिया के पास हो जिसको इंग्वेनल हर्निया कहते हैं, तो दोनों चीजों में जो बच्चों को जितनी जल्दी हो चिकित्सक से सलाह लें, सर्जन से सलाह लें और उनके फॉलोअप में रहें और उसका उपाय सर्जरी है जी। डॉक्टर चौबे, जो ग्रोइन हर्निया है उसके बारे में यहाँ पर हमें कुछ और विस्तार से बताइए, कैसे उसकी भी पहचान होगी, क्या इसी तरह के तमाम लक्षण हैं और उपचार के बारे में भी बताइए। देखिए, जो मेल्स में जो टेस्टिस होती है वो टेस्टिस हमारे पेट के अंदर पैदा होती है और जब बच्चा पैदा होता है तो वो टेस्टिस उतर के नीचे स्क्रॉटम में आ जाती है, जैसा हम लोग सभी जानते हैं। तो इसके जो रास्ता होता है इसको इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं और मेल्स में खासकर यंग हो या मिडिल एज हो या ओल्ड एज हो, तो इस इंग्वाइनल कैनाल में कमजोरी के कारण जिस रास्ते से हमारे टेस्टिकल्स आए हैं उसी रास्ते से इंटेस्टाइन और पेट के दूसरे ऑर्गन बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिसके इसमें ग्रोइन में एक स्वेलिंग हो जाती है और धीरे धीरे वो बढ़ती हुई स्क्रॉटम में चली जाती है। जी जी जी। तो ये हर्निया एक बहुत कॉमन हर्निया। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और समय की कमी है, उनका कॉल हम जल्दी से ले लेते हैं। राजेश जी गाजियाबाद से हमारे साथ इस वक्त है, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हेलो जी, राधे श्याम जी, पूछे अपना सवाल। हाँ जी, मैंने अभी जो टेस्ट करे हुए हर्निया के लिए टेस्ट कराया था जी एम्स में, ठीक है, मगर अभी फाइनल डेट नहीं मिली मेरे को। अभी मेरे को फाइनल डेट नहीं मिल पाई है, तो इसका जो टेस्ट हुआ था 6 महीने पहले हुआ था, क्या ये दोबारा कराने पड़ेंगे कि जब टेस्ट होंगे तो? जी ठीक है, डॉक्टर अभिनव जवाब देते हैं। ये जो टेस्ट है हर्निया के लिए, टेस्ट कराने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हर्निया के दौरान जो बेहोशी देते हैं उस समय वो ये जो टेस्ट होती है, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं, वो आपको रिपीट करना सिर्फ पड़ता है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हर्निया में एक बहुत बड़ी चीज है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो एक पहला स्टेप होता है और जनरली 6 महीने के अंतराल में ऐसे कोई जनरली आनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत, तो इसलिए वो नहीं करते हैं। सिर्फ ऑपरेशन के दौरान बेहोशी देने के कारण उस समय हमें चाहिए कि ब्लड टेस्ट एक बार हम रिपीट कर लें। जी जी, तो राधेश्याम जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बहुत ही अच्छी जानकारी इस कार्यक्रम के दौरान हमें मिली है और तमाम दर्शकों को इससे ज़रूर लाभ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर चौबे और डॉक्टर अभिनव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि विशेषज्ञों की सलाह से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और इसके साथ ही लगातार आपके फ़ोन कॉल्स हमें मिलते रहते हैं, आपके सवाल हम तक पहुंचते हैं। पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत से मेल आए हैं। गोरखपुर से अंजना सिंह जी ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है और मिचलाहट भी आती है। तो वहीं पटना से स्वप्ना मजुमदार जी ने पूछा है कि पिछले 10-15 दिनों से घबराहट और चक्कर आने की शिकायत है। तो दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें इसी तरह से लिखें, मेल करें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसके साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आपसे अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और एक बार फिर से हम अपना पता जो है वो दोहरा देते हैं ताकि आप हमें लिख सके। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे swasthkisan@gmail.com की आईडी पर भी। इसके साथ दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।